बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सब्जी विक्रेता राजेंद्र दुबे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बड़हलगंज से निवासी राजेंद्र दुबे सब्जी बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार की सुबह वह बड़हलगंज मंडी गए थे। मंडी से सब्जी लेकर वह मोपेट से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पार्वती स्थान के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और सीने में गोली मार दी। गोली उनके सीने के आर पार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच कर रही है कि उन्हें गोली क्यों मारी गई और किसने मारी है। ग्रामीणों के अनुसार 4-5 दिन पहले गांव में कुछ लोगों से राजेंद्र को रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिससे थाने में समझौता हो गया था। उसके बाद से ही तनाव चल रहा था। 1996 में जमीनी विवाद को लेकर कल्याणपुर के युवक की हत्या के मामले में मृतक राजेंद्र नामजद आरोपी थे और जेल भी गए थे। पुलिस CCTV भी खंगाल रही है। इसके अलावा जमीनी विवाद सहित अन्य बिंदुओं पर जाँच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार बदमाशों की संख्या में थे, उनमें से 2-3 राउंड फायर किया गया, जिससे एक गोली राजेंद्र के सीने में लगी। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक का नाम राजेंद्र दुबे है, जो कि हत्या के मामले में एक बार जेल जा चुका है, जिसके सीने में गोली लगी थी और शव सड़क पर मिला। राजेंद्र दुबे सब्जी बेचने का काम करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। घटना के अनावरण के लिए SP साउथ के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, जो कि बारीकी से मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, प्राइमरी में जाता होगा, बेचारे कमजोर थे। कहाँ वाला पहले पकड़ लो तो नहीं, जो वाला उसको मत पकड़ो, बोला करता हाँ, मत पकड़ो, कम पढ़े लो बाबू। बड़ाल में व्यापारी गोली मार कर हत्या कर सके। बड़हलगंज में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। राजेंद्र दुबे नामक ये व्यक्ति हैं, जो कि पूर्व में एक हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं और इनकी सीने में गोली लगी थी, शव सड़क पर मिला था। इसमें ये सब्जी बेचने का काम करते हैं, गली गली गाँव में घूम कर, और इनका जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से आख्या लेकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल SP साउथ और 3 थानों की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, जो कि प्रकरण के अनावरण के लिए शीघ्रता से कार्रवाई कर रहे हैं।